Assalamualaikum, welcome to Easy Cooking with Auntie Amber. तो आज हम स्ट्रॉबेरी फार्म से स्ट्रॉबेरी जैम तक का सफ़र करेंगे. अगर बैरियर टाउन जाया जाए ड्राइव इन रोड के रास्ते, तो रास्ते में बहुत से स्ट्रॉबेरी फार्म नज़र आते हैं और छोटे बड़े दुकानदार वहीं से स्ट्रॉबेरी खरीदते हैं, बड़ी फ्रेश किस्म की स्ट्रॉबेरी. तो मैं भी यहीं से लेने आई हूँ. ये तमाम खेत जो हैं स्ट्रॉबेरीज के नज़र आ रहे हैं पीछे, और ये स्ट्रॉबेरी ट्रक है. इसमें ये छोटी बड़ी स्ट्रॉबेरीज सेपरेट करते हैं और इनका वेट करके सेल करते हैं. तो मैं ये घर आ चुकी हूँ स्ट्रॉबेरीज लेके. बड़ी फ्रेश स्ट्रॉबेरीज हैं, इन्हें धो के अच्छी तरह मैंने साफ़ कर लिया है. तो चलें शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ. इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए स्ट्रॉबेरी जैम के लिए. 1 किलो मैंने स्ट्रॉबेरीज ली हैं, इन्हें कट कर लिया है. 1 किलो ही चीनी ली है. 4 से 5 लेमन का जूस लेंगे ताकि चीनी क्रिस्टलाइज ना हो. और मेरे पास ये लेमन जूस के क्यूब्स हैं, ये मैं ये यूज़ करूँगी. अब एक पैन में स्ट्रॉबेरीज को डाल लिया है, इसमें चीनी मिक्स कर देंगे और ओवरनाइट के लिए मिक्स करके कवर करके और फ्रिज में रख देंगे. तो ये मैंने ओवरनाइट रख दिया था. अब स्ट्रॉबेरीज ने भी पानी छोड़ दिया है और चीनी भी मेल्ट हो चुकी है. तो चलें इसे कुक कर लेते हैं. इसे हाई फ्लेम पे मैंने कुक किया है, बार बार मैं हिलाती गई ताकि चीनी जो है जले नहीं. और इसके बाद हमें हैंड थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी जब गल जाए तो हैंड मिक्सर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, या फिर आप ब्लेंडर जग में इसे ब्लेंड कर लें. मुझे थोड़े से चंक्स अच्छे लगते हैं, सो मैंने इसमें थोड़े से चंक्स रहने दिए हैं. इसके बाद इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे और इसे दोबारा से कुक करेंगे अच्छे से. और इसको चेक करने के लिए किसी प्लेट में एक ड्रॉप डाल के देखें, और अगर ये जैम अभी नीचे की तरफ बह रहा है तो इसका मतलब थोड़ा सा और कुक कर लें, थिक कर लें. लेकिन बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना, बस इसकी कंसिस्टेंसी देख लें. इतना ही इसे हमें चाहिए था, और क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और थिक हो जाएगा. तो ये ठंडा हो चुका है, तो देखें कितना थिक हो गया, बिल्कुल परफेक्ट जैम की शक्ल में जैसे हमें चाहिए था. इसे किसी स्टरलाइज्ड बॉटल में भर के रख लें और बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें होममेड जैम से. और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें, जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे. इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़. फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ.